हाँ दीपक श्रीवास्तव, आपको जो हमारे पेंट के ऐसे पेंट होते हैं खाली हो जाते हैं तो उसके हमने उसको फेंक देते हैं, तो उसको हमने क्या किया, धुलवा लिया है, हमने इसको वॉश करके रख लिया है सारे दिए को, सारे इसको हमने अच्छे से धुल दिया है। ये देखिए धुल के इसका हम दिया बनाने जा रहे हैं, दीपावली में इसका दिया बना लें क्योंकि अच्छा काफ़ी हैवी आपका शीशा होता है, इसको हम फेंक देते हैं, बच्चे भी कहते हैं क्या यूज़ करें, इसको फेंक देते हैं, तो इससे हम आइडिया लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, मेरे पास ऑलरेडी हमने एक शॉप पे गए थे, उसने मुझे गोलक दे दिया और दीपावली में गोलक रखना बहुत अच्छा होता है, पिगी बैंक बच्चों को इससे सेविंग की आइडिया होते हैं और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। ये मिट्टी का गोलक लेना चाहिए, बच्चे पर प्लास्टिक का गोलक ला कर रखते हैं तो आप उनको मिट्टी का गोलक देना चाहिए, मिट्टी के गोलक में माँ लक्ष्मी होती हैं, मिट्टी भू देवी ही लक्ष्मी देवी जी हैं, इस भाव से हमको दीपावली पूजा में गोलक भी रखना चाहिए। तो इस गोलक को भी हम कुछ डेकोरेट करेंगे, तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है लेकिन हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, दीपावली में हर चीज़ डेकोरेशन की हुई अच्छी लगती है। तो हमने ग्लिटर पेपर जो मिलते हैं आजकल फोम शीट और ग्लिटर पेपर, इसे कुछ फ्लावर कट के लिए, देखिए फ्लावर कट कर लिया हमने, तो इसको फेविकोल के थ्रू हम यहाँ पर स्टेप से इसको स्टिक कर देंगे, देखिए हर रंग का मल्टी कलर का वन साइड ओनली स्टेप से, ताकि जब आपके घर में लगा रहे तो भी काफ़ी खूबसूरत ये लगे। स्टेप्स देखिए एक ऊपर एक ओवरलैप करके छोटे बड़े फ्लावर कट करके इसे आपको लगा देने, मोती स्टोन जो भी आपके पास घर में हो खूब सुंदर से इसको डेकोरेट कर लेना है, और डेली बच्चों को कुछ पैसे दीजिए ताकि इसमें वो डालें, और नेक्स्ट ईयर जब लक्ष्मी पूजा आएगी तब उसको ओपन करना है आपको, उसके पहले इसको ओपन मत नहीं करना, नहीं करना है। देखिए स्टेप से हम यहाँ पे ये लगा दिया, और ये कुछ पत्तियाँ ग्रीन की पत्तियाँ भी कट करनी है, ये देखिए हमें सब जो छोटे छोटे पीसेस फेंक जाते हैं, हम लोग कटिंग करते हो सारे पीसेस को हम लोग फेंक देते हैं, उन छोटे छोटे पीसेस से मुझे आइडिया है कि छोटे छोटे पीस हम लोग कटिंग करके फेंक देते हैं, उससे हमने ये छोटी छोटी पत्तियाँ बनाई हैं, ये देखिए स्टेप से, उससे आप पत्तियाँ बना बना के इसको ऐसे कैसे लगा दिया हमने, तो ये देखिए स्टेप्स हमने कर लिया, यहाँ पे हम रेड रंग का इस पर लगा देते हैं, जो आपके व्हाइट वाली जगह पे रेड लगा दीजिए या येलो लगा दीजिए, देखिए येलो लगा दिए इस पर, येलो पे ब्लू पे येलो लगा दीजिए, अपोजिट कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लीजिए। इसको पूरा सुंदर से आप डेकोरेट कर लीजिए, आपका लक्ष्मी जी की जब पूजा करेंगे आप वहाँ पर इनको स्थापित करेंगे और इनकी भी पूजा करेंगे आप हल्दी कुमकुम से। ये देखिए स्टेप से मेरा सुंदर सा बन गया, आपको और चाहिए तो ये भी जो जगह खाली दिख रहा है गोल गोल जितने आपके ये पेपर वेस्ट होते हैं उन सबको आप यूज़ कर लीजिए, उसके ऐसे फेंकिए नहीं, छोटे छोटे पीसेस सोचते किस काम के, तो गोल गोल काट के रख भी सकते हैं आप, कहीं कभी जरूरत पड़ा तो आप उसको लगा देंगे। अभी देखिए इसको भी हमने ऐसे कट कर लिया है, आपको ये पेपर रहता है इसको ऐसे कट कर लीजिए, कट करने के बाद हमने इसको इसमें रख दिया इसके ऊपर, ये देखिए हमने रख दिया इसको, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ऐसा पूरा को अपने गोलक को डेकोरेट कर लेना है। और मेरे पास कुछ मोतियाँ हैं, ये देखिए मोती है, ये भी सब लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, तो अब मोतियाँ लीजिएगा और मोतियों को इसके अंदर डाल दीजिएगा, यहाँ जैसे हम ऐसे बता रहे हैं आप इसको एक प्लेट के अंदर असेंबल करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्रीन पेपर को पूरा आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा, ठीक है।
ये आपका गोलक रेडी हो गया है, साइड में जो सजा दिए ये रख दिया। अभी मैंने ये जो दिए रखे इसमें पानी डाल दिया है, ये पहले इसमें थोड़ा सा आपको पानी डालना है। ये शीशी लिया, कांच को इसको धुलवा लिया, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया आपने, हाफ पानी हमने डाला, ज़्यादा नहीं पानी डाला। ये आपको पानी डाल देना है, इसके अंदर हमने थोड़ी मोतियाँ रंग बिरंगी मोतियाँ डाल देना है। आपका मन हो तो कौड़ी, ये कौड़ी ये लक्ष्मी को प्रिय है वो भी डाल सकते हैं ऐसा दिखने के लिए। एक दो मोती डाल दीजिए इसमें। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ये देखिए ऑयल भर दिया हमने, आप और भर दीजिएगा। बस स्टेप्स इसको भी यहाँ पे रख देंगे, इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। देखिए इसको इसमें हमने इसको ग्लिटर वाले जो वो आते हैं वो हमने लगाए हैं, यहाँ पे लगा दिया। इसमें ये डिज़ाइन बनाई थी हमने, ये डिज़ाइन लगाइए, ये लगा दिया। अभी हमको क्या करना है, इस पर आप चाहिए तो घी की बत्ती भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने घी की बत्ती इसमें डाल दी, ऐसी बत्तियाँ मिलती हैं मार्केट में, ऐसी मिलती हैं इस तरीके की मिलती हैं आपको मार्केट में, ये मिलती हैं आपको, इसके ऊपर इसको रख देना है। ऐसे आपको ऑयल डालने के बाद इसको रख देना है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रुई की जो बत्ती आती है, ये रुई की जो बत्ती आती है उसको आप बना लीजिए, उसको हल्का सा खोल दीजिए। ये हमने खोल दिया, खोलने के बाद इसको इसके अंदर ये देखिए इसमें हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इसको ये देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इस टाइप से आपको रेडी कर लेनी है, कुछ आपके पास स्टोन इस टाइप को हो या मिरर हो, मिरर्स को भी इसमें ऐसे लगा देना है आपको। मिरर भी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, ये आपको डबल ट्रिपल करके देती है। आप एक रुपये दिखेंगे तो आपको मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो मिरर को भी आपको पूजा स्थान में रखना है आपको। ये देखिए हम इस टाइप से लगा दिए हैं, आप ऐसे कई सारे दिए जितने आपके पास शीशे खाली हैं उसको अच्छे डेकोरेट करके पेंट करके आप पेंट भी कर सकते हैं, फैब्रिक पेंट से आप पेंट कर सकते हैं, इसको इस टाइप से बांध के लटका सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये रस्सी है, इससे भी इसको बांध के आप हल्का सा टर्न करके लटका सकते हैं, इस टाइप से इसको लपेट करके, ये देखिए इस टाइप से कुछ डेकोरेशन करके आप लगा सकते हैं। इसको स्टिक कर देना है आपको, उस पर ऑयल भर देना है। इस टाइप से हम इसको करने जा रहे हैं, अब इसको हम ऑन करके दिखाते हैं आपको, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अपने इस लाइटर में लाइटर ले लिया, देखिए देखिए वो जल गया। देखिए दिए आपके इसको पानी के अंदर भी आप रख सकते हैं, देखिए ये रुई वाला है। देखिए जो हमने ग्लिटर लगाए थे इस टाइप के इसके ऊपर दिया हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, प्लेन रखा है। देखिए इससे आप अच्छा सा अपना दिया बनाइए, सुंदर सा दिया इसको यूज़ कीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, फैब्रिक पेंट से पेंट कर लीजिए, और आप इस दीपावली में ऐसा आपको यूज़ कीजिए। ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को। इस दीपावली में आप अपने गोलक को भी खूब अच्छे सजाइए। हैप्पी दिवाली सबको। ऐसे लक्ष्मी पूजा में अपने गोलक रखिए। अगर आपको गोलक चाहिए तो आप मुझसे बोलिए, मेरे पास 100 रुपीज़ में एक गोलक अवेलेबल है, उसको आप खुद बच्चों से डेकोरेट करवाइए और लक्ष्मी पूजा में इसमें पैसे डलवाइए बच्चों से। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली।